दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल 2019 के सभी टीमों के रिलीज्ड प्लेयर्स कौन से हैं और कौन से प्लेयर्स रिलीज्ड होने वाले हैं, और हम यह देखने की भी कोशिश करेंगे कि ये प्लेयर्स नेक्स्ट ईयर यानी आईपीएल 2019 में कौन सी टीम से खेलने वाले हैं। तो दोस्तों लिस्ट काफी बड़ी है, तो आई होप आप प्लीज 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 वीडियो को एंड तक देखिए। और आईपीएल से रिलेटेड हमारे चैनल पे ये अभी पहली वीडियो है आईपीएल 2019 से रिलेटेड, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में हमेशा से ही बैट्समैन की भरमार रही है और आईपीएल 2019 में ऐसा देखा गया कि 4 ओवरसीज प्लेयर्स को ही खेलने को मिलता है, प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, जिस कारण से लगातार इनके दिग्गज बल्लेबाज बेंच पर ही बैठे रहते हैं। तो ऐसे में क्विंटन डिकॉक को इन्होंने रिलीज कर दिया है और जिन्हें आईपीएल 2018 के ऑक्शन के दौरान काफी बड़ी रकम में खरीदा गया था, तो इन्हें रिलीज कर दिया गया है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्विंटन डिकॉक की जो खरीद राशि है वो इन्हें दे पाते हैं या नहीं, और इसके बाद ही क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस से खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे प्लेयर की बात की जाए तो दूसरे प्लेयर का नाम है ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से आईपीएल 2018 में खेले हैं और इन्हें काफी मौके दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और जिस प्रकार की न्यूज आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ऐसे में यही लग रहा है कि ब्रेंडन मैकुलम को भी अब ये रिलीज करने वाले हैं और आईपीएल 2019 में ये रिलीज हो जाएंगे। और जो ये नई टीम में जाने वाले हैं उसको अगर देखा जाए तो ये वापसी करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स को एक अच्छा ओपनर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन भी मिल जाएगा। तो वहीं दोस्तों अगली टीम की बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस ने 2 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियली, जिनमें नाम है मुस्तफिजुर रहमान का। मुंबई इंडियंस की पूरी टीम को देखा जाए, स्क्वाड को देखा जाए, तो फास्ट बॉलर से यहाँ पर बेहतरीन फास्ट बॉलर से क्वालिटी फास्ट बॉलर है, और साथ ही साथ यहाँ पर बॉलर्स की भरमार है, और इसी चक्कर में यानी 4 ओवरसीज प्लेयर्स को ही खेलने को मौका मिलता है, ऐसे में मुस्ताफिजुर रहमान को इन्होंने रिलीज कर दिया है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के रहते इनकी टीम में जरूरत है, और अकेला धनंजय को भी इन्होंने लिया था आईपीएल 2018 में 50 लाख की बड़ी रकम देकर, और इन्हें मैचेस ही नहीं खिलाए गए, कुछ ही मैचेस खिलाए गए और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया। तो 50 लाख की बड़ी रकम इन्हें मिलेगी, जिससे ये किसी बड़े प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों और जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो है शिखर धवन की, कि शिखर धवन अब सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो फीस है वह 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने इन पर आईटीएम कार्ड उपयोग करके इन्हें खरीदा था, और इनके यही कयास लगाए जा रहे हैं जो हमें आईपीएल 2018 के ऑक्शन के दौरान देखने को मिला था, ये किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेल सकते हैं। आईपीएल 2018 के ऑक्शन में भी किंग्स 11 पंजाब ने इन्हें खरीद लिया था, लेकिन आईटीएम कार्ड के चलते इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें रिटेन कर लिया। तो दोस्तों ये तो रही अब तक की कन्फर्म्ड न्यूज कि कौन से प्लेयर्स कहां पर जाने वाले हैं, लेकिन जो कुछ और प्लेयर्स हैं जो जा सकते हैं उनमें किंग्स 11 पंजाब की ओर से देखा जाए तो काफी बड़ा नाम आता है युवराज सिंह का। युवराज सिंह की बैटिंग परफॉर्मेंस आईपीएल 2018 में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, इन्हें बहुत मौके दिए गए लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया। मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छे बैट्समैन है किंग्स 11 पंजाब में, और युवराज सिंह की जगह बनते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में किंग्स 11 पंजाब की टीम आईपीएल 2019 के ऑक्शन से पहले इन्हें जरूर से रिलीज करने वाली है। साथ ही साथ किंग्स 11 पंजाब रविचंद्रन अश्विन को भी रिलीज कर सकती है, वो इसलिए क्योंकि इन्हें एक बेहतरीन कप्तान की जरूरत है और ऑक्शन में काफी अच्छे कप्तान इस बार मौजूद रहने वाले हैं।
तो वहीं दोस्तों दिल्ली डेयरडेविल्स की बात की जाए तो गौतम गंभीर ने अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि वो दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम छोड़ने वाले हैं, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स के टीम मैनेजमेंट ने ऐसे संदेश दिए हैं कि आईपीएल 2019 के मिनी ऑक्शन से पहले वो गौतम गंभीर को रिलीज कर सकते हैं और गौतम गंभीर आईपीएल 2019 के ऑक्शन में चले जाएंगे, जिसके चलते अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इन पर एक बार फिर बिड कर सकती है, क्योंकि दोनों ही टीम्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड कैप्टन की जरूरत है और कोलकाता नाइट राइडर्स और गौतम गंभीर का किस प्रकार का बॉन्ड है ऐसा हमें पहले भी देखने को मिला है। गौतम गंभीर ने केकेआर को दो आईपीएल की ट्रॉफीज दिलाई है। तो दोस्तों ये तो रहे आईपीएल 2019 के वो प्लेयर्स जो रिलीज्ड हो चुके हैं और जो रिलीज्ड हो सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, कौन से प्लेयर को किस टीम को रिलीज नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।